गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. डियर स्टूडेंट्स, टुडे थ्रू दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ स्क्वायर एंड रोम्बस. कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. Students, here I draw square and this is rhombus. So students, this is square and this is rhombus. So let us do first the similarities. So पहले हम इन दोनों में क्या क्या similarities हैं वो हम करेंगे, then हम करेंगे what are the differences between these two फिगर्स, स्क्वायर एंड रोम्बस. सो सिमिलरिटीज़ में फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट तो हम डेफिनेशन ही देंगे कि हमारा जो स्क्वायर होता क्या है और रोम्बस होते क्या है. तो फर्स्ट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. यू नो स्टूडेंट्स, ऑल द साइड्स इन अ स्क्वायर आर इक्वल. रोम्बस में, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद फोर इक्वल साइड्स. रोम्बस एक पैरेललोग्राम होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है. ये थी इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल और रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल. थर्ड पॉइंट इज ऑपोजिट साइड्स आर पैलर. इसमें जो ऑपोजिट साइड होगी स्क्वायर में वो पैलर होगी और रोम्बस में भी क्या होगा? रोम्बस ऑपोजिट साइड आर पैलर. इसमें भी ऑपोजिट साइड जो होंगी वो पैलर होगी. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. स्क्वायर में एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे एंड रोम्बस में भी एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे. एडजेसेंट एंगल्स मीन इन दो एंगल्स का, कोई भी दो नज़दीक वाले कोई भी दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री. यहाँ भी एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. एनी टू एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. जिसके डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे और रोम्बस के भी जो है बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स 90 डिग्री पे. स्टूडेंट्स, दीज आर द डायगोनल्स इन स्क्वायर एंड दीज आर द डायगोनल्स इन रोम्बस. जब ये यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. ओके, नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 मल्टीप्लाई साइड. तो इसका भी पेरीमीटर सेम होता है. तो स्टूडेंट्स, दीज आर द सिमिलरिटीज ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस. सो फर्स्ट डिफरेंस इज ईच एंगल मेजरिंग 90 डिग्री. इसमें जो ईच एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का स्क्वायर में. और इसमें जो होगा जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. इसमें ये एंगल दोनों इक्वल नहीं होंगे बल्कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. ओके, सेकेंड पॉइंट इज लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल. इसमें जो लेंथ होगी डायगोनल्स की वो दोनों केसेस में इक्वल होगी. इन केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स की लेंथ जो है वो सेम होगी, बट इसमें रोम्बस में डायगोनल्स की लेंथ जो है वो सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. जो साइड्स होती है स्क्वायर की ये वाली वो एक परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ये जो होती है इस केस में परपेंडिकुलर नहीं होती. द साइड्स ऑफ रोम्बस आर नॉट परपेंडिकुलर टू वन अनदर. एंड फोर्थ पॉइंट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड एंड एरिया ऑफ रोम्बस इज
Area of square is side multiply side and area of rhombus is d1 d2 upon 2, where d1 and d2 are diagonals. So students, I hope the similarities and differences between the rhombus and square is clear for you. I hope you understand it. You watched my video and like my video, please like, share and subscribe my channel, and thumbs up dena mat bhulna. Thank you so much for watching my videos.